अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या कर रहे हो जुनैरा? देखो फ्रूटी गिरा दिए ना तुम, क्यों गिरा? इसी तरीके से तुम बेडशीट गंदी करती हो, नहीं करो अब जुनैरा। अब तुम काठिप को भी नहला दोगी फ्रूटी से? नहीं करो, इतना शरारत। मैं क्यों पीऊँ, कैसे पीऊँ मैं? तुम तो फ्रूटी ख़त्म कर दिए ना, दिए ही नहीं जुनैरा। आप तो मम्मा को फ्रूटी दिए ही नहीं, सारी गिरा दिए, थोड़ी सी पिए हो। इधर देखो, हाँ गिरा देते हो ना। बताओ, मैं चाचू से बोलूँगी कि वो नहीं दिलाएंगे फ्रूटी। शरारत बढ़ गई है जुनैरा की। और जुनैरा के पापा भी आ गए हैं जॉब से, अभी वो आराम से बैठे अपना चाय वगैरह पी के। और इधर मैंने सारे कपड़े उतार ली हूँ जो मैं धोई थी, वो सारे कपड़े सूख गए हैं सुनहरा के मेरे, तो अब मैं उसको लगी हूँ घड़ी करने। काम तो करना ही है, सारे सबसे मुश्किल काम तो यही होता है, कपड़े धो सुखाओ फिर उसको घड़ी करो, उसकी जगह पे रखो, फिर घर फैला फैला रहता है। और अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं कपड़े भी घड़ी कर लूँगी, और फिर क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है तो चलो फिर मैं फटाफट अपने काम करती हूँ। और मैं बात करूँगी अपने जैसे हाउस वाइफ के लिए जो अपनी फैमिली और अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है। और बहुत सी औरतें ये भी सोचती हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं आता है, वो क्या करे, मतलब घर संभाल सकती है, बच्चे संभाल सकती है, उसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसी बात नहीं है, जब वो ये काम कर सकती है तो वो बहुत सारे काम भी कर सकती है। क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, कभी टमाटर महंगे हो जाते हैं, कभी लहसुन, कभी प्याज, मतलब इंसान खाना भी ना खाए, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो हर कोई यही सोचता है कि वो घर बैठे कुछ भी करे। तो YouTube एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मतलब कि हर औरत घर बैठे भी पैसा कमा सकती है। तो मैंने भी अभी जस्ट YouTube स्टार्ट ही किया है, पर मुझे पूरा यकीन है कि आगे मुझे इसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी, अल्लाह ताला मुझे ज़रूर कामयाब करेंगे। तो अगर कोई भी ये चाहता है कि वो घर बैठे कुछ भी काम करे तो YouTube उसके लिए बहुत ही अच्छा और बेस्ट है कि वो घर बैठे पैसे कमा सकती है। और मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे कामयाबी कब मिलेगी, एक साल लगेगा या दो साल लगेगा, किसी किसी को बिल्कुल टाइम नहीं लगता, दो महीना तीन महीने में उसे मिल जाती है, पर मुझे ये भी नहीं पता। पर लगे जितने साल भी लगना है, एक साल दो साल तीन साल, पर इंशाल्लाह ज़रूर मुझे कामयाबी मिलेगी, मुझे पूरा यकीन है। तो ना मैं अपने सारे काम ख़त्म करके आ गई थी किचन में, और यहाँ पर मैं चढ़ा दी हूँ कुकर में लौकी और दाल गलने के लिए, और यहाँ पे मैं साथ में कढ़ाई भी रख दूँ मसाला रेडी करने के लिए उसका। तो आज मैं बनाऊँगी लौकी दाल की रेसिपी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ मैं डाली हूँ दो बड़े चम्मच तेल, और उसमें मैं डाल दूँगी तेज़पत्ता, और ये ज़ीरा काली मिर्च है। तो ये अच्छे से हो गया है ना, तो इसमें मैं डाल दूँगी दो चम्मच अदरक लहसुन के, और ये इसको मैं ना कूट के ली हूँ, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये जब अच्छे से भुन जाएगा ना तो मैं इसमें डालूँगी प्याज। तो यहाँ पे मैं कट करके ली हूँ दो मीडियम साइज़ के प्याज है, तो ये मैं डालूँगी जब ये अच्छे से थोड़ा भुन जाएगा, इसका जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाएगा। तो और किचन में ना थोड़ा अंधेरा लग रहा है क्योंकि एक लाइट ना ख़राब हो गई है किचन की। तो अदरक लहसुन ना भुन चुका है थोड़ा, तो मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है चना दाल, सूखी बनाएंगे तो ये सब्ज़ी बन जाएगी, और थोड़ा उसमें ग्रेवी कर देंगे तो ये दाल बन जाती है, अब बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने इसको इससे कवर कर दूँगी ताकि फटाफट ये मतलब सॉफ्ट हो जाए प्याज। और दाल यहाँ, लौकी और दाल यहाँ पर मेरी गल रही है, तो ये गल जाएगी और वो उधर मसाला भी रेडी हो जाएगा, तो फिर मैं इसको मिक्स कर दूँगी और ये मेरी चना दाल बनके रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे ना प्याज सॉफ्ट हो रही है, तो मैं इसका पाउडर मसाला भी दिखा देती हूँ, मैं इस तरीके से निकाली हूँ। तो मैं यहाँ पर ली हूँ एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून है हल्दी पाउडर है, और गरम मसाला पाउडर है हाफ़ टी स्पून, और ये कस्तूरी मेथी है जो मैं ली हूँ फ्लेवर के लिए। तो ये पाउडर मसाले में ना मैं डालूँगी इसमें पानी थोड़ा सा,
और इसका ना एक अच्छा सा मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो ये सारे मसाले को ना मैं पानी डाल के ना इसका अच्छा सा पेस्ट ये बना ली हूँ, तो ये ना जलता भी नहीं है और इसकी बहुत अच्छी मतलब टेस्ट भी इसका अलग ही आता है। तो यहाँ मैं डाल दी हूँ हरी मिर्ची, प्याज सॉफ्ट हो गई थी, और इसमें मैं डाल दी हूँ एक बड़ा सा टमाटर। और इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद नमक भी मैं इसमें डाल चुकी हूँ टेस्ट के हिसाब से। इसको वापस से मैं कवर कर दूँगी ताकि टमाटर भी जल्दी से गल जाए थोड़ा। तो मैं डाल रही हूँ मसाला इसमें जो मैं पेस्ट बनाई थी। तो ना ये आप लोग देख सकते हैं मैंने पाउडर मसाले का जो पेस्ट बनाई थी ना पानी डाल के, उसका कलर कितना प्यारा आया है। वैसे लाइट कम है ना किचन में मेरे, तो इस तरीके का दिख रहा है, वरना ऐसे नॉर्मल तो बहुत ही अच्छा इसका कलर दिख रहा है। तो ये इतना देख आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा ये मतलब कलर भी दिख रहा है और इतना अच्छा, मुझे तो खुशबू ऐसी आ रही ना, ऐसा लग रहा है कि मैं बिरयानी का मसाला रेडी कर रही हूँ। और मसाला ये रेडी हो चुका है, और इधर पे मेरी जो लौकी और दाल थी ना वो भी गल गई है। तो अब मैं इसको इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। ये देख सकते हो मैं इसमें नमक और हल्दी से इसको गलाई हूँ डाल के। तो मैं दाल और मसाला अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, तो मैं इसमें अब डालूंगी आधा गिलास पानी ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मेरी दाल रेडी हो चुकी है, और मैं यहाँ पे तड़का देने वाली हूँ कड़ी पत्ते का दाल को। तो यहाँ पे मैं दाल को तड़का दे दी हूँ, और मैं गैस भी बंद कर दूँगी। दाल बिल्कुल रेडी है, तो दाल मेरी रेडी हो चुकी है बिल्कुल। तो अब और खाने का टाइम भी हो गया, तो फिर जा रहे हैं हम लोग खाना खाने। तो मिलते हैं 10। तो ये देख सकते हो दाल का फाइनल लुक कितना अच्छा और प्यारा दिख रहा है, और ये वैसे ही टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है खाने में। तो हम लोगों का खाना वगैरह हो चुका है, और सारी चीज़ों से मैं फारिग भी हो गई हूँ, और यहाँ पर जुनैरा भी फ्रेश हो गई है। कपड़े मैं इसके चेंज कर दी हूँ, और जुनैरा खिलौने से खेल रही है अपने। तो मैं अभी इसको जा रही हूँ मालिश करने इसके पैर में, पूरा दिन चलती रहती है ना ये, तो मैं इसको डेली रात में तेल लगाती हूँ, जैतून का तेल है ये। जुनैरा आओ जल्दी, जुनैरा आओ, चलो लेटो, तेल लगाना है ना। ये मैं यहाँ पे जुनैरा के लिए छोटा सा ये बिस्तर डाली हूँ, और ये आके देखो इसी तरीके से ना ये डेली लेट जाती है, क्योंकि सुनहरा को ना पीठ में तेल लगवाने बहुत अच्छा लगता है ना सुनहरा। लेटो चलो, तो मैं इसी तरीके से सुनहरा की मालिश करती हूँ उसको सुलाने से पहले। जुनैरा को जब मैं इस तरीके से तेल लगाती हूँ ना, तो जुनैरा कभी कभी तेल लगवाते लगवाते सो भी जाती है। आना जो यू बहुत अच्छी नींद आती है ना, अरे तुम ऐसे लेट गए, चलो फिर से वो जाओ। जुनैरा आपको मालिश करवाने अच्छा लगता है, बड़े हो जाओगे तो फिर क्या करोगे, फिर मामा की हेल्प करना काम में, सुने? हाँ है ना। ये बहुत पसंद है ना सुनहरा आपको, ये वाला खिलौना आपको बहुत पसंद है ना। जब भी मैं इसे तेल लगाती हूँ इतने सुकून से लेट जाती है, और मना भी नहीं करती है, इससे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे सुनहरा के पापा के जाने का टाइम हो गया था, तो मैं उनको दुआ सलाम करने के बाद मैं दरवाज़ा बंद कर ली थी, और यहाँ पे बजने वाले हैं 7:30, और सुनहरा यहाँ पर सो रही थी। फिर उसके बाद मैं अपने जो बाकी काम थे वो मैं करके फिर वापस मैं भी सो गई।
तो अभी दोपहर का टाइम है और मैं ना मशीन लगाई तो सबसे पहले मैं सोची कि जुनैरा के जो टॉयज है ना वो मैं धो दूँ, ये थोड़े गंदे हो गए थे तो वही मैं अभी डाली हूँ। और फिर इसके बाद मुझे ना ये पर्दे भी धोना है, गंदे हो गए तो मैं इसको भी उतार के और मशीन में डाल के धो लूँगी। और दूसरा यहाँ पे लगाना है मुझे। तो मैं ये पर्दे निकाल ली हूँ, इसको मैं यहाँ रख दूँगी और बाकी के भी सारे पर्दे निकाल लूँगी मैं। तो अभी के लिए मैं यहीं पर अपनी वीडियो के एंड करूँगी और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी वीडियो को ना लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।